वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पेशली एक पोस्ट है जिसे बोलते हैं डॉट्स प्लस या फिर बोल सकते हैं सीनियर डॉट्स प्लस टीबी एचआईवी सुपरवाइजर। इसके रिगार्डिंग जो है आज का ये सेशन होगा। कैंडिडेट का ये ऑन डिमांड था कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर कैंडिडेट को मोटिवेट किया जाए। चूँकि ये जो सीनियर डॉट्स प्लस टीवी एचआईवी सुपरवाइजर का जो पोस्ट होता है ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, ये पहले आपको जानना चाहिए। ये नहीं कि स्पेशली ये बिहार के लिए या झारखंड के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए वीडियो है, ठीक है। ये सारे कैंडिडेट के लिए, ऑल ओवर इंडिया के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये पद है, जिनको मतलब जो इसमें रुचि रखते हैं या फिर जिनको एग्ज़ाम देना है। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो अभी आप देखेंगे कि बिहार में एग्ज़ाम होना है सीनियर डॉट्स प्लस टीबी एचआईवी सुपरवाइजर का, जिसका जो है एग्ज़ाम डेट भी आपको दे दिया चुका है, अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होना है। आज जो है आपका समय बहुत कम है, इसको देखते हुए मैं सोचा क्यों ना कैंडिडेट को मोटिवेट किया जाए। हालांकि आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो रहा होगा, बहुत सा पोस्ट का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें जो है ये भी पोस्ट है सीनियर डॉट्स प्लस टीबी एचआईवी सुपरवाइजर का। एग्जामिनेशन का दौर है, समय कम है, तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए कैंडिडेट को। तो देखिए जो गाइडलाइन है, पहले गाइडलाइन को दिखाते हैं। जो गाइडलाइन है, जो भारत सरकार का गाइडलाइन है कि सीनियर डॉट्स प्लस टी वी एच आई वी सुपरवाइजर जो है उसका जो है क्या क्या वर्क होता है, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा वर्क के अनुसार दिखाना चाहें तो खुद आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है राइज हो सकता है। जब आप वर्क जान जाएंगे, अब अपने काम को जान जाएंगे, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं अगर उसके बारे में आप जान जाएंगे कि मेरा वर्क क्या है, तो खुद आप क्वेश्चन जो है वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर बात हम लोग करें तो जो सीनियर डॉट्स प्लस टी वी एच आई वी सुपरवाइजर का जो वर्क होता है, नाम से ही आपको स्पष्ट आ रहा है कि सीनियर डॉट्स प्लस, ठीक है, मतलब कि वो सीनियर है। डॉट्स मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, ठीक है ना, या कोर्स होता है, ठीक है। तो उसका जो है वो सुपरवाइजर है, साथ ही साथ जो है टी बी एच आई वी लिखा हुआ है, मतलब सीनियर डॉट्स प्लस टी बी एच आई वी सुपरवाइजर, वो टी बी का भी और एच आई वी का भी सुपरवाइजर है। ये एक बात निकल के यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो वर्क जो होता है मेन क्या होता है, असिस्ट डी टी ओ इन ऑर्गेनाइज पी एम डी टी सर्विस इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर होते हैं जो जिला में, उनसे जो है समन्वय स्थापित करके जो पी एम डी टी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना अपने जिला में, ठीक है। ये जिला स्तरीय पद होता है, ये जान लीजिए, ये आपको ब्लॉक लेवल पर नहीं होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पद होता है सीनियर डॉट प्लस टी बी एच आई वी सुपरवाइजर का, ठीक। इसके बाद जो इसका सेकंड वर्क अगर कहें, यहाँ पर पूरा लिस्ट बना हुआ है और लिस्ट में देखेंगे तो 18 तरह का वर्क दिया हुआ है, उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो सेकंड अगर बात की जाए तो असिस्ट डी टी ओ इन ऑर्गेनाइजिंग टी बी एच आई वी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का से समन्वय स्थापित करके, डिस्ट्रिक्ट में समन्वय स्थापित करके, चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है तो डी टी ओ लेवल से आपको डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट होना होगा और वहाँ से जो है टी बी एच आई वी कोऑर्डिनेशन इनको करके जो भी एक्टिविटी है वो जिला में लागू करवाने का संरक्षक के तौर पर इनका वर्क होता है, ठीक है। फैसिलिटीज या फैसिलेटेड एमओज, मतलब मेडिकल ऑफिसर, एसटीएस, एसटीएलएस, एलटी एंड अदर हेल्थ सिस्टम स्टाफ टू सब्जेक्ट ऑल डीआरटीवी सस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट एट एन आरएनटीसीपी, जो कि अब हो गया है एनटीईपी सर्टिफाइड लेबोरेटरी, ठीक है। मतलब क्या है, एमओ से मिलकर, मतलब मेडिकल ऑफिसर्स के साथ समन्वय स्थापित करके, एसटीएस के साथ समन्वय स्थापित करके, सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर के साथ समन्वय स्थापित करके, या लेबोरेटरी टेक्नीशियन के साथ समन्वय स्थापित करके, जितने भी डीआरटीबी सस्पेक्टेड हैं उनको जो है जांच जो है सुनिश्चित करवाना, ठीक है। डीआरटीबी मतलब होता है ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। आगे जो है इसका अगर हम लोग बात करें चार नंबर में, तो आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉट प्रोवाइडर्स फॉर डीआरटीबी पेशेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ए डायरेक्टरी ऑफ सच डॉट प्रोवाइडर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ट्रेनिंग देकर आइडेंटिफिकेशन करके डॉट प्रोवाइडर को, ठीक है, डीआरटीबी के बारे में, और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसे धरातल पर उतारना, मतलब कि जिला स्तर पर इसका समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य भूमिका होता है,
ठीक है, मेंटेन एंड अपडेट ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल DRTB ट्रीटमेंट कार्ड एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। समझ जाइए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो DRTB से रिलेटेड जो भी वर्क है ड्रग रेजिस्टेंट TB से, वो जो है वर्क जो होता है वो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर का होता है। उसमें क्या करना है कि मेंटेन एंड अपडेट, मेंटेन करना होता है, अपडेट करना होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DRTV ट्रीटमेंट कार्ड का, जो DRTV जो पेशेंट होते हैं जो PMDT गाइडलाइन के अनुसार होते हैं उनका जो है रिकॉर्ड को है ट्रीटमेंट कार्ड को जो है अपडेट करने का जिम्मेवारी जो होता है वो सीनियर डॉट्स प्लस TBHIV सुपरवाइजर का होता है, ठीक है ना। अभी जो है डॉट्स प्लस TBHIV सुपरवाइजर को DRTV कोऑर्डिनेटर भी बोला जाता है, एक वर्ड मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जान लीजिए इसको जो है सीनियर डॉट्स प्लस TBHIV सुपरवाइजर को जो है DRTV कोऑर्डिनेटर भी अब बोला जाने लगा है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर पॉइंट में, सुपरवाइजर ऑल DRTV ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन सेंटर वंस इन ए क्वार्टर। मतलब कि जितने भी DRTV ट्रीटमेंट हो रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट का जो दवा शुरू हो रहा है वो जो है सेंटर लेवल पर, मतलब PSC लेवल पर, PHI लेवल पर जहां से पेशेंट को दवा मिल रहा है, एक बार जो है क्वार्टर मतलब कि 3 माह पर एक बार विजिट कर लेना है इनको, ठीक है। लाइज विथ रिस्पेक्टिव DRTV सेंटर फॉर एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन एंड पेशेंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि DRTV सेंटर पर जो भी इन्फॉर्मेशन है या पेशेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इशू आ रही है उसको देखने का काम जो है सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर का है, ठीक है। आगे हम लोग 8 नंबर पॉइंट में देखें, असिस्ट द DTO फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द स्टाफ ऑफ हेल्थ फैसिलिटी अंडर हिज हर ज्यूरिसडिक्शन कैरी आउट PMDT रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब DTO लेवल पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर के लेवल पर जो है समन्वय स्थापित करके जो हेल्थ स्टाफ है उसको जो है PMDT से रिलेटेड जो है गाइडलाइन जो है उसके बारे में जानकारी देना का काम जो है वो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर के जिम्मे है, ठीक है। इस्टेब्लिश लियालीजिन विथ प्राइवेट प्रैक्टिशनर NGO एंड अदर सेक्टर डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल टू प्रोवाइड PMDT सर्विस एज पर प्रोग्राम गाइडलाइन। मतलब इस्टेब्लिश करके जो है प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, मतलब कहने का सेंस है जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो देख रहे हैं, जो NGO हैं या फिर अदर डिस्पेंसरी है हॉस्पिटल है उसमें भी जो है PMDT गाइडलाइन के अनुसार जो है DRTV पेशेंट को जो है ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट को है समन्वय स्थापित करके देखने का कार्य जो है वो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर का होता है। आगे जो है 10 नंबर पॉइंट की बात की जाए, असिस्ट द प्रोग्राम ऑफिशियल स्टाफ इन एक्टिविटी रिलेटेड PMDT ड्रग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको जो है प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी ऑफिसर हैं या स्टाफ हैं उसको जो है ड्रग से संबंधित जो है दवा से संबंधित जानकारी देना PMDT के गाइडलाइन के अनुसार किसका जिम्मेवारी है, तो सीनियर डॉट्स प्लस TBHIV सुपरवाइजर के जिम्मेवारी है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे, सॉरी थोड़ा वर्ड का यहाँ पर इशू हो गया, तो आगे हम लोग चले तो देखेंगे कि 11 नंबर पॉइंट में ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इन TBHIV को लोबरेट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंटेंसिफाइड TBHIV पैकेज ऑफ सर्विसेज इन दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो TBHIV सर्विस को जो है कोलोबरेट करना है एक्टिविटी को, और TBHIV पैकेज जो भी आपको है सर्विसेज मिलनी चाहिए जिला में उसकी जिम्मेवारी फुल्ली जवाबदेही किसकी है, तो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर की है, ठीक है। प्रिपेयर एंड मेंटेन ए डायरेक्टरी ऑफ ICTC, ठीक है। ICTC होता है आपको HIV से रिलेटेड, ART सेंटर, LSC कम्युनिटी केयर सेंटर एंड NGO वर्किंग NACP इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द कोलैबोरेट RNTCP सेंटर। मतलब बहुत से विभागों से समन्वय स्थापित करके जो है, मान लीजिए HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसको ART चलना चाहिए, ठीक है, ICTC के व्यवस्था होना चाहिए HIV सेंटर पर, तो ये सारी चीज़ जो है समन्वय स्थापित करना के काम जो है वो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर के अंदर में आता है। असिस्ट द नोडल ऑफिसर इन कोऑर्डिनेटिंग रेगुलर शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू TBHIV कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो नोडल ऑफिसर्स के रिगार्डिंग जो है सारा इंफॉर्मेशन जो है TBHIV से रिलेटेड जो है शेयर करना है वो, और उसके साथ जो है समन्वय स्थापित करने का जिम्मेवारी जो है वो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर के जिम्मे है, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट में है कि इंश्योर कंप्लीट करेक्ट एंड टाइमली कंप्लीशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ PMDT TBI HIV इंफॉर्मेशन।
मतलब सुनिश्चित करना है कि समय पर सही सही और सही तरीके से जो है PMDT TBHIV इंफॉर्मेशन जो है शेयर हो, ठीक है। ये जिम्मेवारी जो है TBHIV डॉट मतलब कि सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर के जिम्मे आता है, ठीक है। इस्टेब्लिश लिंकेज विद DTC मतलब डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर होता है, DPA PCU कोलेबरेटिंग NGO एंड हॉस्पिटल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो बस लिंकेज करके रखना है, उसको जोड़ के रखना है, मतलब अपने DTC लेवल पर जितने भी प्राइवेट तौर पे जो काम कर रहे हैं, जो TB से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जो DRTB के पेशेंट हैं, ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट हैं उनको, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीनियर डॉट्स प्लस TBHIV सुपरवाइजर के जिम्मे आती है। टू फैसिलेट चेंज मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ICT एंड निक्सियस टूल फॉर कॉन्क्रेंट डाटा एंट्री वैलिडेशन एंड इट्स यूज फॉर पब्लिक हेल्थ एक्शन। मतलब कि कोई तरह का चेंज मैनेजमेंट, कोई बदलाव हो रहा है या फिर ICTC से रिलेटेड जो सेंटर है, निक्सिय अप्लीकेशन होता है उसमें टूल्स पर कोई डाटा का एंट्री करना है, वैलिडेशन एंड यूज फॉर पब्लिक हेल्थ एक्शन, सारी जिम्मेवारी जो है वो किसकी है, DRTB की, वो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर की है, ठीक है। कंडक्ट होम विजिट टू न्यूली डायग्नोस्ड DRTB पेशेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन ए मंथली शेड्यूल, ठीक है। इनका भी जिम्मेवारी है, याद रखिएगा, जो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर होते हैं उनका जिम्मेवारी है कि कम से कम मंथ में एक बार जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको जाना है, और अपने डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल कहने का सेंस है कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आपको जो है कोई भी PSC लेवल पर जो भी पेशेंट का, नया पेशेंट का जो दवा शुरू होता है उसका जो है होम विजिट करने की जिम्मेवारी जो है वो किसकी है, सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर की। एनी अदर जॉब असाइंड एज पर प्रोग्राम नीडेड, अगर और भी कोई जरूरत पड़ेगा काम का तो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर से किया जा सकता है। तो छोटा मोटा अगर शब्दों में कहें तो सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है जिला लेवल पर सारा ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट को, ठीक है। उसके लिए उसको जिसकी भी जरूरत पड़े, चाहे MO की जरूरत पड़े, मतलब मेडिकल ऑफिसर की जरूरत पड़े, प्राइवेट प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़े, ठीक है, STAS, STLS, LT सभी को जो है कोऑर्डिनेट करने का काम जो है सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर की है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर का, बहुत वर्क है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिम्मेवारी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इससे घबराना नहीं है, अपने वर्क पर ईमानदार रहना है, और वर्क प्रतिदिन अगर आप मोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं सीनियर डॉट प्लस TBHIV सुपरवाइजर के लिए, और विशेष कुछ नहीं है। TB से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, HIV से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। जो PMDT गाइडलाइंस है उसके रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आ सकता है थोड़ा मोड़ा, उसके बारे में जानकारी रख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये छोटा सा सेशन था कैंडिडेट के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप धैर्य बना के रखें। बहुत से कैंडिडेट हैं बार बार बोल रहे हैं कि सर आप इस डेट में बोले थे रिजल्ट आने के लिए, रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, क्यों नहीं रिजल्ट आया। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, धैर्य रखें। बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि आप वेबसाइट देखकर बताते हैं, तो आप ये बताइए कि ऑफिशियली मुझे लेटर तो नहीं मिल रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको हम 100% आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए आप धैर्य रखेंगे, घबराएंगे नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको 100% दिया जाएगा, अपना आगे तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।